हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब हमारा जो सावन का महीना है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज नीलकंठ भगवान जी के मंदिर। और आज है सोमवार, जो हमारा मतलब सावन महीने का पहला सोमवार है आज। तो आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने हमारे प्रभु नीलकंठ भगवान जी के। तो सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं। तो अभी चलो चलते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कलाथ में किस तरीके से भारी वर्षा के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया था। मतलब ये तो चलो प्रभु की कृपा से हम लोग बच गए। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम भी निकल रहे हैं घर से बाहर। दरअसल गाड़ियाँ रोड तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो नदी है ना वो इतनी खतरनाक भयानक रूप लेकर आई थी कि सड़कें ही फाड़ दी है, मैं क्या बताऊँ। तो पैदल ही जाएंगे। तो चलो प्रभु के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं। और उसके बाद हम आगे भी कहीं और निकलेंगे, आपको बताते हैं। चलो चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पैदल पहुंचना है। तो मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, एंड थोड़े से प्रभु के लिए प्यारे प्यारे फूल भी ले जाते हैं। तो चलो, बहुत ही प्यारे फूल, मेरे को ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम लोग निकलते हैं और पहुंचते हैं प्रभु के दरबार। तो पैदल चलना है यार अभी। अब पता नहीं हम लोग कब पहुंचे, क्योंकि पहले हम लोगों को नीलकंठ महादेव जी के मंदिर जाना था, उसके बाद हमें कहीं और भी जाना है। तो कोशिश करेंगे कि चलेंगे पैदल, धूप है काफी ज्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, धूप तो होती रहती है। तो चलो अभी फूल भी तोड़ लिया है, तो अभी बस पैदल निकलना है और प्रभु के दरबार पहुंचना है। भाई सबसे पहला हमारा भी मोटिव है कि प्रभु के दरबार पहुंचना है। नहीं, दूसरा मोटिव है कि हम लोगों को हरिपुर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर शायद नाग देवता जी आ रहे हैं। मेरी मासी जी कुछ चाय पानी का इंतजाम रखा है। तो चलो प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और पहुंच भी जाएंगे। तो लेट्स गो। जहाँ पर ना इतनी चहल पहल होती थी, गाड़ियाँ बस, मतलब ना आपको बता नहीं सकती मैं, ना क्रॉस करने में ना इतना ज़्यादा टाइम लगता था, पता है आपको। तो आज देखिए बिल्कुल शांत हो रखा है, क्योंकि नदी जो है ना वो यहाँ से आई थी पूरा, मतलब सिस्टम देखो वहाँ आगे तक पहुँचती। और कलाथ वालों ने देखो क्या किया है, यहाँ पर अपना वॉलीबॉल के लिए मस्त स्टाइल से ग्राउंड बनवा दिया है। सड़क को देखो पूरी रेत हो गई थी, आप खुद सोच सकते हो किस तरीके। बीच बीच में ना मतलब लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। अभी नदी तो नहीं है, बट ना लैंडस्लाइडिंग, थोड़ी सी बारिश होती तो देखो ऐसे हो जाता है पूरा। ये हमारा, आप नोटिस कर सकते हो ये क्या है, कौन सा रोड है। ये हमारा NH 21, जो 4 लेन वाला निकला था ना अभी नया, उसके हाल देखो ऐसे है। और ये देखो बहुत ही खतरा है, इस घर को तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ देखिए देखिए पशु बैठे हुए हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा पहाड़, पत्थर ही आ गया। देखो सेब के पेड़ के साथ ही आ गया ये पत्थर। ओ माय गॉड, हम लोगों को ना बहुत फटाफट चलना होगा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हम पे ही आ जाए। ओ माय गॉड, जमीन से धसने को हो गई यार, शिट। देखो जो ये सड़क थी, देखो यहाँ पर गर्म पानी जो था वो पूरा ले गई है हमारी ब्यास नदी। इतना तांडव रूप था ना कि मैं बता नहीं सकती। देखिए यहाँ पर पूरी सड़क फाड़ दी गई है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि नदी इतनी पीछे आएगी और इस तरीके से सड़क की सड़कें फट जाएगी। ये देखिए पूरी सड़कें फाड़ दी गई है। अब हम लोग कहाँ से जाएँ, शायद हम लोगों को ऊपर से जाना होगा। ये देखो भाई कलाथ की हालत कुछ इस तरीके से, अभी बिल्कुल रोड ही पूरा फाड़ दिया है, मतलब इतनी भयानक। ओ माय गॉड, तो आप देख सकते हो लोगों को ऐसे रास्ते से जाना होगा, यहाँ पर पूरी सड़क फाड़ दी गई है। ये देखिए भाई, अब हम लोगों को ना एक ही रास्ता बचा है इस वाले रास्ते से जाने के लिए, और आगे की जो सड़क है ना पूरी फाड़ दी गई है। मतलब ये देखो, कोई सोच सकता है कि इतनी फोर्स पानी में, ओ माय गॉड, तो सड़कें ही फाड़ दी है। तो अभी हम लोग को निकलना होगा आगे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब तो फटाफट चलते हैं, चलेगा। तो लोग देखो किस मुसीबत में आ रहे हैं, किस मुश्किल से आ रहे हैं लोग भाई। चल यार, तो ये देखो भाई पूरी सड़क खत्म कर दी गई है। आवाज जा रही है, अभी भी डर ही लग रहा मुझे तो कसम से। चलो चलते हैं फटाफट, चल।
देखिए कि भाई जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत ही खतरा है। मतलब देखिए तो अब हम लोगों को ना जब जब जहाँ जहाँ पर ऐसे लैंडस्लाइडिंग है वहाँ से हम लोगों को फटाफट निकलना होगा, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है भाई। ये देखिए, ओह माय गॉड। चलिए के साथ जो हमारी कैंपिंग साइट थी वो देखिए तहस नहस हो गई है भगवान। मतलब हम लोग तो आज ही आ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ना, तो देखकर हैरानी हो रही है, हर कुछ ही हैरानी। पूरी कैंपिंग साइट जा चुकी है। अब ये देखो जी हमारा रोड NH 21 किस तरीके से यहाँ पर पूरा नीचे धस गया है, ये पूरा लैंड स्लाइडिंग हुआ है। आप ये देख सकते हो, ओह माय गॉड, बहुत ही डरावना है भाई। पूरा तहस नहस हो गया भाई। के साथ जो हमारी कैंपिंग साइट थी वो देखिए तहस नहस हो गई है भगवान। मतलब हम लोग तो आज ही आ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ना, तो देखकर हैरानी हो रही है, हर कुछ ही हैरानी। पूरी कैंपिंग साइट जा चुकी है अभी। ये देखो जी हमारा रोड NH 21 किस तरीके से यहाँ पर पूरा नीचे धस गया है, ये पूरा लैंड स्लाइडिंग हुआ है। आप देख सकते हो, ओह माय गॉड, बहुत ही डरावना है भाई। पूरा तहस नहस हो गया भाई। ये देखो रोड पूरा तहस नहस हो गया है। गाइस हम लोग ना इस टाइम बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी बन चुके हैं। ओह माय गॉड, पूरा सड़क, ओह माय गॉड, शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा वो बोले बाबा ये आपका रूप, वाओ। फिर डॉगी हमारा साथ है, देखो सुनसान। और जो यहाँ पर हमारा पिकनिक स्पॉट था ना, देखो वो भी नदी ले चुकी है। ओह माय गॉड, बहुत ही भयानक मंजर। देखिए सब तहस नहस हो गया। ज़्यादा डर लग गई थी यहाँ पर ना, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है, मतलब ना खज्जर जैसे हो गए थे, कैसे क्रॉस करें, मतलब काफ़ी डर जैसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी भी पत्थर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो चलो भगवान की कृपा से हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। एक बड़ा सही साइन बनाया है भोलेनाथ जी का, तो समझ जाओ अब नीलकंठ महादेव जी के मंदिर का भी आ गया और पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखो भाई एप्पल, ओह माय गॉड, पसीने छूट गए भाई, इतना खतरनाक रास्ता था मैं बता नहीं सकती। हाँ पहली बार स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर थोड़ा पल्लम खाने को है। महादेवा ओ महादेवा, देवों के देवा, शिवा मेरे महादेवा। तो जी हाँ, फाइनली हम प्रभु नीलकंठ जी के दरबार में पहुंच गए हैं। तो चलो जी थोड़ा सा दिखाते हैं प्रभु को आपको भी। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और थोड़ा दर्शन भी करते हैं, पूजा करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। तो लेट्स गो। ओह माय गॉड,
तो बड़े भाई ज्यादा लोग हैं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर सभी गांव के औरतें आई हुई है, साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप सबको मालूम है कि सावन के महीने में यहाँ पर खीर होती है, क्योंकि भगवान जी भोलेनाथ जी यहाँ साक्षात विराजमान है, ये आप देख सकते हो। तो सावन के महीने में यहाँ पर ऐसे भी खीर होती है, तो शायद एक दिन है खीर यहाँ पर, इसलिए देखो चावल वगैरह रखे हैं यहाँ पर। देखिए हम लोगों को तो दर्शन हो गए बहुत ही प्यारे वाले, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलिए। तो गाइज आप देख सकते हो सभी गाँव की महिलाएँ जो है वो काम करने आए हैं यहाँ पर मंदिर में, शायद पता नहीं अब कब खीर का जो आयोजन होगा यहाँ पर। शायद आपको पता ही है यहाँ पर साक्षात हमारे दिलकर महादेव जी बास करते हैं, ये देखिए कितने सुंदर जगह पे ये बास करते हैं, और आगे का व्यू कुछ ऐसा है बहुत ही सुंदर। तो अभी हम लोगों को पता है कहाँ पहुँचना है, वो नीचे पहुँचना, जो पुल दिख रहा है ना आपको सतारा मिल पुल, वहाँ पर पहुँचना हम लोगों को। तो अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाएँ, तो चलो अभी देखते क्या करते हैं। चलो सिया चलो भैया, बस जी चलना। अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने सफर की तरफ। यस अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी रास्ता ऐसा भयानक है ना, मैं बता नहीं सकती, घास घास से होकर जाना पड़ रहा है, एक तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से एक घास घास वाला रास्ता। बाकी आपने देखा होगा नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में साफ सफाई चली है, क्योंकि वहाँ पर खीर है, अब ये नहीं मालूम कब है खीर ना, तो उस करके पूरे गाँव वाले आए हैं, मिलकर काम करते हैं भाई, सबसे अच्छी बात है मिलकर काम होता है। तो अभी ओ भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, तेरा साथ है तो सब साथ है। आज ना मतलब सुबह से लेकर ये भजन मेरे मन में आ रहा है, आता मुझे बिल्कुल भी नहीं है भजन, बट गाने की हो रही है बहुत ज्यादा। अभी ना हम लोग खतरनाक वाले रास्ते से चल रहे हैं, देखो खतरनाक है, बस हम लोग पुल के पास पहुंचने वाले हैं, जैसे हम लोग पुल के पास पहुंचेंगे ना वैसे हम लोग निकल पड़ेंगे हरिपुर की तरफ, और हरिपुर में हमारे नागदेवता जी पहुंचने वाले हैं, ऐसा मेरी मासी बोल रहे थे कि वो प्रीणी में पहुंचे शायद, तो चलो तब तक तो हम लोग भी पहुंच जाएंगे। देखो जी तारामिल की हाल कुछ ऐसे है, बहुत ही तगड़ी लेवल पर नदी आई है, फाइनली तारामिल पहुँच गए, अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है ऊपर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बड़े मुश्किल से। नमस्ते। तो गाइस छोटे मम्मी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देवता का वेट कर रहे हैं हमारे नाग देवता जी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिपुर, यस अपनी मासी के घर में पहुंच चुके हैं, दरअसल यहां पर आज आ रहे हैं देवता जी, वैसे ये मंदिर में आ रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा चाय पानी का इंतजाम किया है, क्योंकि देवता जी जो है वो घर से निकले हैं, तो अभी सीधा यहाँ पर रुकेंगे, देन उसके बाद नगर में किसी ने देवता जी को बुलाया है, तो अभी आपको हम सभी लोग देवता जी का जो है इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारे देवता जी जो है हमारे बीच पहुँच चुके हैं, तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं हमारे प्रभु जी के।
रास्ता आप देख सकते हो, हमारे प्रभु हमारे कंचन नाग जी, व्यास ऋषि जी और गौतम ऋषि जी का निवास है इस ब्यूटीफुल से रथ में। तो अभी हमारे जो देवता जी है वो जा रहे हैं नगर की तरफ, वहाँ पर किसी ने देवता जी को बुलाया हुआ है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सभी ने यहाँ पर, तो मेरे जो मासी वगैरह है उन्होंने यहाँ पर खीर चाय पानी का बंदोबस्त किया था, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन। एक तो आजकल सावन का महीना है तो खीर तो बनती है, सो अभी सभी ने सेवन कर लिया और अभी सभी लोग जा रहे हैं अपना नगर। तो बहुत अच्छा लगा आज प्रभु के दर्शन हो गए, नीलकंठ महादेव जी के भी दर्शन हो गए, हमारे प्रभु के भी दर्शन हो गए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो देवता जी है ये मेरे ननिहाल के देवता जी है, मतलब मेरी मम्मी जो है वो यहीं से ही है बुरुआ से, तो हमारे ननिहाल के देवता है। तो अभी चलो अभी बैठेंगे आराम से। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है आप देख सकते हो। तो ये देखिए जी हमारे नाग देवता जी नगर की तरफ प्रस्थान करते हुए। चल बनानी नहीं मैंने सीखी है, लेकिन सजेस्ट करना सीखी है मैंने। तो गाइस इधर हो रही है बारी पार्टी। फाइनली हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और इस युद्ध का तो खाना वगैरह हमारा हो गया है। आज हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल बाड़ी खाई थी, बाड़ी बनाई थी मतलब, और बाड़ी बना के हमने बढ़िया स्टाइल से खाई है। और मेरा माथे बिंदु देखो कितना बड़ा लगा, कुंगू का जो हमारा बिंदु है देखो, टीका जो देखो कितना बड़ा लगा मेरे माथे में। अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह हमारा हो चुकी, अभी तक मेहमान थे, अभी जस्ट अभी अभी चले गए हैं मेहमान। तो अभी चलो गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।